अभी हम यहाँ से आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे सामने खुल गया। ये भी वेब ब्राउजर है, जैसे क्रोम गूगल का वेब ब्राउजर है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है जो विंडोज के साथ बिल्ट इन आता है 10 और 11 में। तो यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ पर आते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर एक वेबसाइट खुल रहे हैं, इसका नाम है office.com। अब ये office.com क्या है, ये आपको क्लाउड सर्विस देती है, और इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल है सही तरह काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको ऑफिस का जो फीचर है वो भी देती है, और आप वेब ब्राउज़र के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। पर इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए office.com के ऊपर, तो यहाँ इसने हमें कह रहा है, कुछ ऑप्शन दे रहा है, इसको मैंने साइन इन डिफरेंट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद अब ये जो है कंटिन्यू हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लें कि सबसे पहले जो क्लाउड सर्विस है वो यहाँ पर आपको मिलेगी वन ड्राइव, ठीक है। ये वन ड्राइव आपकी क्लाउड बेस्ड सर्विस है, यानी कि ये एक स्टोरेज एरिया है जिसके ऊपर आपको 5 GB का स्पेस मिलता है, ठीक है, जिसमें आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होगा जो कि आउटलुक या microsoft.com पे बने, outlook.com के ऊपर हम बनाएंगे, और उसके बाद हम ये जो ऑफिस 365 की जो ऐप है, ऐप का मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस है या वेब एप्लीकेशंस है, इनको हम ब्राउज़र पर यूज़ कर सकेंगे विदाउट इंस्टॉलिंग, मतलब इसको इंस्टॉल भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप किसी ऐसे कंप्यूटर में चल गए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही नहीं है, तो आप इस फीचर को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकेंगे और अपना काम कर सकेंगे, और उसको शेयर भी कर सकेंगे, और वक्त मिलने पर डाउनलोड भी कर सकेंगे, और अपलोड भी डेटा कर सकेंगे। अब ये होगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा office.com पर, और office.com पर आने के बाद ये डायरेक्ट लॉगिन का पेज दे रहा है मुझे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे office.com पे, तो पहले एक अकाउंट से लॉगिन थे, तो इसलिए हेलो जिशान वेलकम बैक कराइए। तो अभी हम कह रहे हैं कि जिशान तो नहीं, एक नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट, और यहाँ पे हमें साइन इन का ऑप्शन दे रहा है। तो कह रहा है कि अब क्या चाह रहे हैं आप ही, तो मैंने कहा भाई अब हम तो इस पर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये अब आगे की तरफ प्रोसेस करेगा। इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, इंटरनेट के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो इसको देखें, लोड हो रहा है थोड़ी देर में। जैसे साइन इन पे क्लिक किया, तो ये हमसे कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड डालते हैं जिशान के हवाले से, कि एक अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन हम इसको लॉगिन नहीं करना चाह रहे। ऐसी सूरत हाल में जब ये हमें दूसरे अकाउंट से लॉगिन नहीं होने दे रहा, तो इस पर एक दफ़ा फिर से क्लिक करके देखते हैं, शायद कुछ और। हाँ वो बना हुआ नहीं है ना, बनाना है ना। एक दफा से हम इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से गया हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कोई इसका क्लियर का बटन आ रहा है क्या, हिस्ट्री का कोई हिस्ट्री का क्लियर का बटन नहीं आ रहा है। यहाँ से हम इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं। ये हिस्ट्री हो गई डिलीट, फिर से खोलते हैं office.com।
क्रोम पे ट्राई करते हैं इसको, शायद इस पे सही काम नहीं कर रहा। यहाँ से चलते हैं office.com खोलते हैं यहाँ से। खुली नहीं रही है। तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री करते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, कह रहा है कि आप आउटलुक पे बना लें। हम शर्जील मोबाइल है ना, वहाँ पर शर्जील के नाम से बना देते हैं, शर्जील अहमद के नाम से बनाने की कोशिश करते हैं @outlook.com पर नेक्स्ट कर देते हैं। कह रहा है ये पहले से किसी का बना हुआ है, कुछ चेंज कर ले। शर्जील मकबूल के नाम से बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ये भी पहले से बना हुआ है। तुम्हारा ईयर क्या है? 2000। शर्जील अहमद 2010 के नाम से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गए। पासवर्ड एक कैपिटल, स्मॉल नंबर्स और सिंबल्स तीनों से मिलके बनेगा, तो हम इनका पासवर्ड रखते हैं M Capital AQBOOL मकबूल 123 और शिफ्ट के साथ प्लस माइनस, ये हमने पासवर्ड रख दिया। नेक्स्ट, ये जो बन रहा है अकाउंट outlook.com पे बन रहा है। ठीक है, अभी कह रहा है कि इस पर देखो, ये सेट करो इसके हिसाब से, तो ये हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है कि नाम बता दें, शर्जील अहमद के नाम से हमने बना लिया इसको। कह रहा है स्टे साइन इन, हमने कहा यस, तो अब हम लॉग इन हो गए। ठीक है, ये लोड हो रहा है। तो एक दफा जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट साइन इन करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा लोड हो जाए तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। अभी अकाउंट तो बन गया हमारा, लेकिन ये इसको क्लिक करके कह रहा है कि भाई इसका अगर आप ऐप खरीदना चाहें तो पर ईयर 5999, 15999 में ये सारी सर्विसेज मिल सकती हैं आपको। ठीक है, और मंथली प्लान में जाएं तो 549 रुपये महीने पे आपको ये अवेलेबल होगा, 1500 पर, 2100 पर। बहरहाल ये इसके पैड वर्जन हैं, फ्री में भी हमें कुछ मिल जाएगा इसमें, ये खुल गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एंड डन। ठीक, तो ये कह रहा है कि आपके पास 5 GB का स्पेस अवेलेबल है। ये जो outlook.com पे आपका अकाउंट बना है इसमें आप 5 GB तक अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब देखें, इसने कहा कि भाई ये क्या करना चाहते हैं। अभी आप वर्ड सीख रहे हैं मेरा ख्याल है ना, तो एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल का काम इस पर कर लेंगे, वर्ड सीख रहे हैं तो वर्ड का काम भी इस पर हो जाएगा। मतलब अब इसमें आपके कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करने की अगर नहीं भी चल रहा है ना ऑफिस, तो अब जरूरत नहीं है डायरेक्ट इस पर डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो जैसे कि अगर एक्सेल के ऊपर आपने कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी है तो किस तरह क्रिएट करेंगे, यहाँ से वर्कबुक पे क्लिक किया, तो देखिए उसी तरह से इसने वेब ब्राउजर के अंदर बुक के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। अब इसको आपने मिसाल के तौर पे किसी और नाम से सेव करना है तो फाइल में जाइए, यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा। सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रख लें जो भी रखना है आपने, वो सेव कहाँ हो रही है, ड्राइव पर सेव हो रही है। लेटर ऑन आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं,
अभी मैं चला गया हूँ ड्राइव के अंदर कि ड्राइव में कहाँ डेटा सेव हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है डेटा। अब ड्राइव से पीछे कैसे आना है, इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा से एक्सेल के अंदर आ जाएंगे। मतलब आपके कंप्यूटर में कुछ भी सेव नहीं हो रहा, सारा काम इस पर हो रहा है। अभी मैं एक दफ़ा इसको बंद करूंगा, फिर से आपको खोल के बताता हूँ। तो अब इसको बंद कैसे करेंगे भाई, यहाँ से फाइल में गए और हमने यहाँ से एग्जिट का तो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये देखिए हमारा अकाउंट यहाँ खुला हुआ है, ये अलग से वेब ब्राउजर का खुला हुआ है, तो इसको हम जाके यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सपोज टू बी ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे सेव हो गई फाइल, क्लोज कर दें यहाँ पे, क्लोज हो गई फाइल। अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, अगर आपका पर्सनल लैपटॉप है तो फिर बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट खुलेंगे तो ओपन हो जाएगा। पर्सनल नहीं है, पब्लिक प्लेस पर है, तो यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ से जाके आप उसको करेंगे माई अकाउंट स्टेटस आ रहा है और यहाँ लिखा रहा है साइन आउट। जैसे साइन आउट करेंगे तो ये अकाउंट उसको ऑफ कर देगा और यू साइंड आउट ऑफ योर अकाउंट, इट्स आइडिया टू क्लोज ऑल ब्राउजर विंडो। तो ये यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो अब किस नाम से अकाउंट बनाया, मैं इसको लिख के दे देता हूँ, शर्जील मकबूल या शर्जील अहमद 2009 के नाम से। तो चले अब दोबारा कैसे खोलेंगे, मैंने ब्राउजर दोबारा से खोला एक और उस पर जाके लिखा office.com। जैसे ही office.com लिखा यहाँ पे ये खुल गया हमारे सामने, साइन इन किया। तो साइन इन करने पे अब हमसे पूछेगा कि भाई आपका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड क्या है, और ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप, मोबाइल पे भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो शर्जील अहमद 2010 इसको बोलो जेब में रख, एट द रेट आउटलुक डॉट कॉम, ठीक है। नेक्स्ट कर दें यहाँ से और पासवर्ड लगा दें अपना मकबूल 123 प्लस माइनस। पासवर्ड लगाया हमने, स्टे साइन इन, यस साइन इन कर दिया, तो आपके सामने लॉगिन हो जाएगा ये और फिर से ये इस तरह का लुक आएगा। इस पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहीं भी क्लिक कर लें 2 मिनट के लिए, कोई सर्विस वगैरह खुल जाए। इसकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, अभी मोबाइल में जाके आप ये कैप्चा कोड दिखाएंगे ना अपना, तो वो ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ से भी इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा इनविजिबल आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, ज़रा क्लोज करते हैं, सेट हो गया ये, ठीक है। और अगर ऐप इंस्टॉल करनी है तो यहाँ क्लिक करके ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब इसकी ऐप को भी इंस्टॉल किया जा सकता है विंडोज़ में, ठीक है ना। ये प्ले स्टोर के ज़रिए या डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, मोबाइल पे भी की जा सकती है। अच्छा अब क्या है कि यहाँ पे तो मतलब अगर आपने भी एक्सेल की फाइल बनाई थी तो वो कहाँ सेव हुई है, वो कहाँ से देखेंगे, उसको देखने के लिए देखें आप यहाँ पे जाएंगे, ये 4 3 6 9 डॉट्स बने हुए, यहाँ पे जाएंगे ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राइव यहाँ पे खुल जाएगी और उसको भी साइन इन कर दें ड्राइव को। ये ड्राइव खुल गई आपकी, ये रही आपकी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया और अब आप इसको खोल के देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे ये खुल गई आपकी फाइल। इसमें आपके कंप्यूटर का ना वर्ड यूज हो रहा है ना एक्सेल यूज हो रहा है, सिर्फ ब्राउजर के ऊपर सारा काम हो रहा है। अभी किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ ले, आ रही है ना समझ में। अब बिल्कुल इसको मैं इसी तरह चला सकूंगा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना शर्त है। अच्छा ये जो आपका रिबिन आ रहा है इसके ऊपर, ये रिबिन है इसका पूरा का पूरा, इस रिबिन को कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करें क्लासिक रिबिन कर दें तो जैसे एक्सेल का रिबिन होता है वैसे नजर आएगा। पूरी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं F11 का बटन दबा दें, ये पूरी स्क्रीन पर नजर आएगा। दोबारा से ब्राउजर मोड में आना चाहते हैं F11 का बटन दोबारा दबा दें, दोबारा से ब्राउजर मोड में आ जाएगा। सिंगल रिबिन में देखना चाहते हैं
तो सिंगल लाइन रिबिन पे क्लिक करते हैं, सिंगल लाइन रिबिन पे नजर आएगा। F11 दबाएंगे फुल स्क्रीन मोड पे नजर आएगा, F11 दबाएंगे दोबारा से उस पर नजर आएगा। तो यहाँ से इसका कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं क्लासिक रिबिन चाहते हैं तो क्लासिक रिबिन ले, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, तो अब आपका ये मसला भी हल हो गया कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड आपके कंप्यूटर में नहीं है, नहीं चल रहा है किसी वजह से, और इंटरनेट का एक्सेस है, तो ये ऐप आप यूज करें। और बनाए आप कोई फाइल आपने बना ली है और उस फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था बनाने के लिए, ये वाला असाइनमेंट था, इसमें 1 2 3 4 2 3 4 5 कॉलम्स थे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 1 2 1 2 3 4 5 कॉलम्स लेके और यहाँ पे क्लिक करके इस कॉलम को थोड़ा सा हमने 3 गुना बढ़ा दिया और इन तीनों कॉलम्स को तकरीबन एक जैसा रखा हमने। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद आपने इसके अंदर जैसे लिखा कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट लिख दिया। उसके बाद इन कॉलम्स के ऊपर इसको मर्ज करना है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको मर्ज का ऑप्शन मिलने आ रहा है, मार्जिन सेंटर कर दिया, ठीक है। और क्या था इसमें, पेमेंट आईडी रिसिप्ट नंबर, पेमेंट डेट अमाउंट, और क्या है इसके अंदर, ये आ गया पेमेंट मेथड और मनी, ठीक है। इस तरह से आपने एक शीट को जो है प्रिपेयर कर लिया, चेक चेक नंबर, तो उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जैसे करते हैं एक्सेल में उसी तरह से कर लेनी है। और यहाँ से सेलेक्ट करके ठीक है, ये हमने बना लिया, इसका बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। अब ये फाइल आपने सेव करनी है, सेव तो ऑलरेडी हो ही रही है, इस पर क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे, सेव ही हो रही है। अब ये सेव हो गई फाइल आपकी, क्लोज कर दें इसको आप यहाँ से, ये ड्राइव में सेव है, ड्राइव भी खुल रही है आपकी, ये आप ऑफिस 365 एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, यहाँ आ गए इस पर। अब ये फाइल शेयर कैसे करेंगे, एक तो जैसे आप वीडियो बना के शेयर कर रहे होते हैं वो ठीक है, लेकिन आप जैसे फाइल ही शेयर करनी है, तो फाइल शेयर करने का तरीका है, पहले आप जाएंगे यहाँ से क्लिक करके ड्राइव पर, और ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ से आप करेंगे सेट स्टार्ट फ्री ट्रायल, तो बंद कर दें, ये आ गई फाइल। अब इस पर यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ओपन और एक आ रहा है शेयर, ओपन करेंगे तो फिर ब्राउजर पे खुल जाएगी जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे शेयर के ऊपर,
ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है शेयर का ऑप्शन, किसके साथ शेयर करनी है। अब जिसके साथ शेयर करनी है उसके दो तरीके हैं, एक लिंक शेयर कर दें, एक ईमेल पर शेयर कर दें। लिंक कैसे शेयर करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे अपना मोड सेट करें कि भाई इसका मोड क्या है। इस पर क्लिक किया, शेयर विद एनीवन डजंट रिक्वायर साइन इन, स्पेसिफिक पीपल कैन एडिट, एक्सपायरी डेट, सेट पासवर्ड। भाई अगर आप इस वाले ऑप्शन पर रख के शेयर करेंगे तो कोई भी इस फाइल को क्लिक करके डायरेक्टली ऑन करके देख सकेगा बगैर लॉगिन किए। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही लोग शेयर देख सकेंगे फाइल जिनको आप शेयर करेंगे और वो लॉगिन भी करेंगे। शेयर विद स्पेसिफिक पीपल, यू चूज देयर नेम, ग्रुप एंड फैमिली और ईमेल। ठीक है, ईमेल चाहिए होगा, फैमिली का नेम हो या जिसके साथ भी आप चेंज करें। फिर कैन एडिट वाली परमिशन को हटा के कैन व्यू पे रखेंगे, तो फिर जिसके साथ भी शेयर करेंगे, एनीवन के साथ या स्पेसिफिक पीपल के साथ, सिर्फ वो देख सकेंगे, इसमें चेंज नहीं कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं वो चेंज भी कर सकें तो कैन एडिट रख के फिर जिसके साथ शेयर करेंगे दोनों में से वो देख भी सकेंगे और चेंज भी कर सकेंगे आपकी फाइल को। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कैन व्यू, तीसरा ऑप्शन है, और एनीवन के साथ रख रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है ये प्रीमियम फीचर है, आप इसको बगैर पैसों के यूज़ नहीं कर सकते, इस फीचर को यूज़ करने के लिए पैसे देने होंगे, मतलब इनका कोई पैकेज लेना होगा महीने वाला या साल वाला। तो उसमें फिर ये है कि आप एक्सपायरी डेट भी रख सकते हैं कि भाई इस तारीख तक वो फाइल देख ले तो ठीक है, उसके बाद एक्सपायर हो जाए। नंबर टू, पासवर्ड भी रख सकते हैं कि भाई ये फाइल का लिंक तो गया, अगर उसके पासवर्ड है तो वो देख सके, अदरवाइज वो ना ओपन कर सके। लेकिन ये फीचर आपको मिलेंगे जब आप इसको पेड पे खरीदेंगे, फिलहाल तो हम ये पेड वाला नहीं ले रहे। तो यहाँ से हम इसके पीछे आ जाते हैं और यहाँ पे अभी हमने रख दिया है एनीवन विद दिस लिंक कैन एडिट, कैन एडिट को हम यहाँ से चेंज करने लगे हैं, कैन एडिट को हमने रख दिया कैन व्यू के ऊपर और इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये लिंक क्रिएट हो गया, उसको कॉपी कर लिया यहाँ से लिंक। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब जैसे शेयर करना है आपको, किसी से भी शेयर करना है, जैसे आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे गए, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और ये ग्रुप में जाके मैंने इस लिंक को क्या किया, डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जिसके पास ये लिंक गया है वो क्या करेगा, वो जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, वेदर मोबाइल में या अपने कंप्यूटर पे, हाँ, तो वो सिर्फ इसको व्यू कर सकेगा ब्राउजर के ऊपर जो आपने बनाया है, एडिट नहीं कर सकेगा, डिसेबल ऑप्शन सर। ठीक है, दूसरा, अगर किसी खास आदमी के साथ आपने बाय ईमेल शेयर करना है, तो फिर आप यहां से क्लिक करेंगे शेयर्स के ऊपर, और यहां पे जिसके साथ शेयर करना है उसका ईमेल लिख देंगे, जिस जिसके साथ भी शेयर करना है उसका ईमेल लिख के क्या कर सके, एडिट कर सके या ओपन कर सके, परमिशन सेट करके सेंड कर दो। तो ये लिंक उनकी डायरेक्टली किस पे चला जाएगा, ईमेल पे चला जाएगा, वो वहाँ से क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। ठीक है,